एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबियत बिगड़ने से वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त भार रेल मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया है। अब पीयूष गोयल ही 1 फरवरी को भारत सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश करेंगे। जेटली फिलहाल इलाज के लिए अमेरिका गए हुए हैं। दरअसल अचानक पिछले हफ्ते खबर आई कि वित्त मंत्री अरुण जेटली किडनी संबंधी अपनी बीमारी की जांच के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। आपको बता दें, पिछले साल 14 मई 2018 को जेटली का दिल्ली के एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस दौरान भी काफी दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे थे और वित्त मंत्रालय का कामकाज पीयूष गोयल ही देख रहे थे। जेटली 23 अगस्त 2018 को वापिस वित्त मंत्रालय संभालने पहुंचे थे। अब दूसरी बार जेटली की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्रालय का भार पीयूष गोयल को मिला है। वैसे पीयूष गोयल का नाम मोदी सरकार में संकट मोचन मंत्रियों में शुमार होता है। पीयूष गोयल के पास पहले से ही 2 अहम कोयला और रेल मंत्रालय मौजूद हैं और अब वित्त मंत्रालय का फिर अतिरिक्त भार मिल गया है। अपने कामों से पार्टी में बनाई है जगह। इससे पहले तेजी से बढ़ रहे रेल हादसों की वजह से तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया था। तब भी संकट की घड़ी में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दे दी गई थी और तब से गोयल रेल मंत्रालय को संभाल रहे हैं। गोयल के कार्यकाल में रेलवे के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दरअसल मोदी सरकार में पीयूष गोयल ने ऊर्जा मंत्री के तौर पर अपना काम शुरू किया था। इनके कार्यकाल में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया। तय समय में देश के 18,000 गांवों का विद्युतीकरण गोयल की बड़ी उपलब्धि रही। गोयल ने केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना और ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार उदय योजना को सफलतापूर्वक लागू कराया और गांव के घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। पीएम मोदी के भरोसेमंद हैं गोयल। इसके अलावा पीयूष गोयल ने कोयले की कमी से जूझ रही बिजली कंपनियों को अपने हुनर से उभारा। वहीं हमेशा घोटालों की मार झेल रहा कोयला आवंटन को ई ऑक्शन के जरिए पारदर्शी बनाने का काम किया। पीयूष गोयल ने कोयला और रेल मंत्रालय में अपने कामों से लोहा मनवाया है। आज की तारीख में गोयल पीएम मोदी के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है। वित्त मामलों में गोयल को महारत हासिल है। वित्त मामलों में मजबूत पकड़ की वजह से पीयूष गोयल को बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भूमिका दी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। वहीं 2014 के आम चुनावों के दौरान बीजेपी के प्रचार और सोशल मीडिया प्रचार की जिम्मेदारी भी गोयल के कंधों पर ही थी। फिलहाल 54 साल के पीयूष गोयल राज्यसभा के सदस्य हैं और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष गोयल प्रबंधन के मुद्दे पर कई बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं के सलाहकार भी रहे हैं। संघ और बीजेपी से पुराना नाता है। पीयूष गोयल के परिवार का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना नाता रहा है। गोयल के दिवंगत पिता वेद प्रकाश गोयल खुद 2 दशक तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष रहे थे और केंद्र की तत्कालीन अटल सरकार में जहाजरानी मंत्री थे। यही नहीं, पीयूष गोयल की मां चंद्रकांता गोयल भी मुंबई से 3 बार विधायक रही हैं।